आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना व जानकारी आप सभी लोगों को बता दूं, जो आपके मन में सवाल जो है बार बार क्रिएट हो रहे हैं कि जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो चल रहे हैं, जो आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हो रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें पासिंग मार्क्स जो है वह कितना रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसके बाद जो है जिक्र कर दिया गया था आपका फॉर्म भरने के दौरान, जो आपका प्रोस्पेक्टस आता है उसमें जिक्र किया गया था कि आपको जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम से मिनिमम कितना नंबर चाहिए ताकि आप जो है प्राइवेट कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाए। वही बातें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि डीएलएड एडमिशन 2024 सेशन आपका 2 वर्ष का रहने वाला है, इसमें जो है पासिंग मार्क्स जो है कितना होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे, 30% नहीं तो 35%, यह जो है जानना बहुत जरूरी है। तो एक एक चीजों को मैं आपको समझाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक एक बातों को आपको बड़ी बारीकी से बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा, आपके मन में जो भी सवाल रहेंगे वो सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका चल रहा है उसका पासिंग मार्क्स क्या रहेगा। तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है आपके टोटल जो है क्वेश्चन कितने हैं, तो आपका 120 क्वेश्चन है और टोटल नंबर की बात करेंगे तो आपका 120 नंबर है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें कोई भी आपका जो है नो निगेटिव मार्किंग है, यानी कोई भी आपका जो है निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, समझ गए, यानी कि गलत होने पर कोई भी आंसर आपका नहीं कटेगा, समझ गए सही वाले में। अब रही बात कि हमको पासिंग नंबर कितना चाहिए, चाहे वो जनरल हो, मतलब कोई भी कैटेगरी हो, फीमेल मेल कोई भी हो, उसके बारे में बता दे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पासिंग मार्क्स आपके जो है 2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैसे बच्चे जो जनरल कैटेगरी से होंगे, जो आपके ओबीसी से होंगे, या जो बच्चे ईबीसी से होंगे, या आपके जो है आपके ईडब्ल्यूएस से होंगे, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल, वैसे बच्चों को डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको 35% नंबर लाना होगा, 35% नंबर लाना होगा, यानी 35% कहने का मतलब 42 मार्क्स जो है आपको लाने होंगे, 42 मार्क्स, 120 नंबर होता है और इसका 35% कीजिएगा तो आप काटिएगा तो कट जाएगा, समझ गए ना, ये कितना बार में कटेगा, तो ये आपका जो है 2 से काटिएगा तो 6 बार में, ये 5 बार में, और ये काटिएगा तो 7 बार में, 42 नंबर आपको लाना होगा, समझ गए ना। यानी कहने का मतलब है कि जो बच्चे आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी से हैं, उनको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में क्वालिफाई करने के लिए आपको 35% नंबर लाना होगा, यानी कि 42 नंबर अगर आपका है तो आपका रिजल्ट पास करेगा, समझ गए। आगे हम बात कर ले वैसे बच्चे, जो बच्चे एससी कैटेगरी से होंगे, एससी एसटी से होंगे, पीएच वाले होंगे या फ्रीडम फाइटर होंगे, उनको 30% जो है मार्क्स लाने होंगे, और इसमें जो है आपका 30% कहने का मतलब है भारतीय 36, यानी कि 36 नंबर लाने होंगे, क्लियर है। यानी कह सकते हैं कि अगर आपका जो है जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और अगर आपका जो है एग्जाम में 42 नंबर आता है तो आप जो है पास होंगे और आप काउंसलिंग कर सकते हैं। वहीं पर जो बच्चे एससी कैटेगरी से होंगे, एसटी से होंगे, पीएच होंगे, फ्रीडम फाइटर होंगे, तो वैसे बच्चे जो है अगर 30% यानी 36 नंबर लाते हैं तो आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का काउंसलिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आपको जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर आपको लाने होंगे मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। ऐसे आपको कॉलेज के लिए वो मैंने आपको कटअप बता दिया है, तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, ओके, टेक केयर।